सच्चाई है, वास्तविकता है कि बच्चे बच्चे की जुबान पे ये है कि जो 1000 दिन पूरे किए हैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार ने, वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस जिसको हम कह सकते हैं, अगर किया है तो कीर्तिमान स्थापित किए इन्होंने, जो कहते थे कि करप्शन जो है उसको जीरो टॉलरेंस पे लेकर के आएंगे, करप्शन बढ़ाई है, हर विधायक के यहाँ फैक्ट्रियाँ लगी है जो है ना, इंटरलॉकिंग ईंट बनाने की, और बिजनेस चल रहे हैं फोड़ फोड़ के, सड़कें उनसे बढ़ा रहे हैं, ऐसा करप्शन को बढ़ावा इन लोगों ने दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार पूरी तरह से फेल हुआ है। सरकारी खजाने पे सबसे ज़्यादा वो 23,000 करोड़ का कर्जा इनेलो छोड़ के गई थी, 70-71,000 करोड़ का जो है ना कांग्रेस 10 सालों के बाद छोड़ करके गई थी, 70,000 करोड़ इन्होंने 3 सालों में बढ़ा दिया, रिकॉर्ड है अपने आप में, सरकारी ट्रेजरी को लूट करके खा गए, ये पोजीशन है सरकार। ये राजकुमार सैनी जी जो भी बोलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान के खिलाफ है, किसान हितैषी के खिलाफ है। दीनबंधु सर छोटू राम किसान का मसीहा, दीनबंधु सर छोटू राम के बाद चौधरी देवीलाल जी, कर्पूरी ठाकर, देवागौड़ा, बहुत सारी पर्सनलिटीज आई हैं जिन्होंने किसान को उभारने की कोशिश की है, किसान को राहत देने की कोशिश की है। अगर उनको ये इस तरीके से किसान विरोधी और ऐसी परिभाषा उनके लिए इस्तेमाल करता है तो मैं मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, ना कि राजकुमार सैनी बोल रहे हैं। कौन है तो मुझे तो नहीं आता, मैं जीन जाना है।